हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो नंबर कौन सा है? वीडियो नंबर ये सेकेंड है। फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट को इंग्लिश में वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। काफ़ी पहले से नेक्स्ट ईयर मतलब इसके पहले ईयर में मेरे वीडियो पे लगभग 600 प्लस वीडियो इंग्लिश में आपको मिलेंगे। तो आप लोग सभी वीडियो को रिवाइज ज़रूर करें। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कराया गया है, मतलब मैक्सिमम टॉपिक कराए गए हैं बायोलॉजी के, और केमिस्ट्री के कुछ कराए गए हैं कुछ बायोलॉजी के। तो जितने भी वीडियो सब रिवाइज करें, न्यू वीडियो का मत वेट करें कि नया वीडियो बनेगा इसी ईयर का, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो चेंज होता नहीं है, तो कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। तो वीडियो को रिवाइज ज़रूर करें। और जैसे एक ह्यूमन के बॉडी में जो वाइटल आर्गन होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब जो मेन आर्गन होते हैं, वैसे केमिस्ट्री का मेन चैप्टर जो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे हम लोग डेवलप करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का, ये वीडियो नंबर सेकेंड है। तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट देख लेंगे, और इसके पहले वीडियो बन चुकी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पीरियाडिक टेबल आपके पास, आई होप कि आप लोग के पास पीरियाडिक टेबल ज़रूर होगा, नहीं होगा तो अभी आप एक दो दिन में परचेज ज़रूर कर लीजिए, दुकान से 10 रुपये का मिलेगा, और इसमें सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये देखिए, चलिए देखते हैं 117 पॉइंट से कंपेरिजन ऑफ रेडियस। तो हम लोग देख रहे हैं आयनिक रेडियस, देख रहे हैं रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन आयन एंड द आयंस ऑफ सेम एटम। अब आयनिक रेडियस क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है, आयनिक रेडियस पूछता है। तो आयनिक रेडियस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निगेटिव चार्ज होता है, जितना अधिक निगेटिव चार्ज होगा उतना अधिक आयनिक रेडियस होगा। अब आयनिक रेडियस ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आयनिक रेडियस ऐसे लिखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना अधिक आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कब आपका आयनिक रेडियस होगा, ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स ये होता है। तो ये चीज़ होगा आयनिक रेडियस किस पे और डिपेंड करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, जितना अधिक आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा उतना आयनिक रेडियस रहेगा। तो ये चीज़ हो गया, ये देखिए फिर इन्वर्स, ये देखिए आयनिक रेडियस ये जेड अपान ई क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ई अपान जेड, जेड अपान ई। तो ये चीज़ हो गया आयनिक रेडियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये आप हटा दीजिए, ये मत नोट करिए, यही नोट करिए। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन देता है, तो आप देखें आयनिक रेडियस इसमें पूछ रहा है किसका सबसे अधिक है, तो देखेंगे सबसे अधिक निगेटिव चार्ज किस पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए, नाइट्रोजन पे 3, ऑक्सीजन पे 2, फ्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज, सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे +2, और जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा ना उतना आयनिक रेडियस तो डाउन होगा। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन देता है, एक पे 2 निगेटिव, एक पे 1, एक पे कोई निगेटिव नहीं, तो सबसे अधिक आयनिक रेडियस तो -2 ही वाला होगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। दी साइज ऑफ ए पॉजिटिव ए निगेटिव फॉलो द ऑर्डर, तो ये फॉलो ऑर्डर करते हैं, ये एकदम सही है। ये देखिए इसमें आयनिक रेडियस पूछ रहा है इसमें, तो देख लीजिए कि इसमें सबसे अधिक निगेटिव चार्ज है, तो फास्फोरस में, सल्फर में 2 निगेटिव, क्लोरीन में 1 निगेटिव, और पोटेशियम में तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने लगा, तो पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली और निगेटिव चार्ज के डायरेक्टली। तो ये भी आप अच्छे से जान गए होंगे। ये देख लीजिए, आर न्यूट्रल आइटम आर एन आयन, कोई भी न्यूट्रल आइटम हो उससे अधिक होगा एन आयन का रेडियस। कोई भी न्यूट्रल आइटम है अगर वो पॉजिटिव किसी पर लगा है एलिमेंट पर तो न्यूट्रल का अधिक होगा, हर सेम आइटम के लिए ये बात कह रहा है, ये चीज़ देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे देखिए अब इसका आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम सेम एलिमेंट है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम +2 और एल्युमिनियम एल्युमिनियम +3, तो सेम है। लार्जेस्ट स्पीसीज इज मैग्नीशियम एंड द स्मॉलेस्ट आयन इज एल्युमिनियम, तो आपको पता भी होगा क्योंकि यहाँ +3 आपको दिख रहा है, और मैग्नीशियम लार्जेस्ट स्पीसीज होगा क्योंकि इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। मैक्सिमम पूछेगा आयनिक रेडियस तो मैग्नीशियम, और मिनिमम का पूछेगा तो एल्युमिनियम +3 का।
नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड, ये देख लीजिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट देखेंगे। तो नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है उस पर जो इलेक्ट्रॉन जो उस पर इफेक्टिव क्या लगाता है न्यूक्लियस पर नेट अट्रैक्शन फोर्स जो लगाता है तो वही को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो ये देख लीजिए इसमें जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर होते हैं वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जेड फिर सिग्मा क्या होता है, शेल्डिंग कांस्टेंट होता है या स्क्रीनिंग कांस्टेंट होती है। ये चीज़ हो गया। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी देख लीजिए यहीं पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है इसको क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट सेल डिक्रीज बाय द इंटरमीडिएट सेल इलेक्ट्रॉन, दिस इफेक्ट इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन द्वारा लास्ट सेल के द्वारा तो डिक्रीज कर दिया जाता है भाई, किसके द्वारा, इंटरमीडिएट सेल इलेक्ट्रॉन द्वारा, तो उसी को इफेक्टिव वो कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। 123 देख लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय शेल्डिंग कांस्टेंट सिग्मा से इन पीरियड में, जब आप पीरियड में जाएंगे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पिछली वीडियो आप लोग जरूर देख के आइएगा तब अच्छे से समझ में और अच्छे से आपको क्लियर भी होगा। तो ये देख लीजिए पीरियड में जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट ग्रुप में अगर आएंगे आप ऊपर से नीचे जाएंगे टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो जेड इफेक्टिव जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ग्रुप वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होती है, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 125, फॉर सबसेल स्ट्रेंथ ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी बार पूछता है कि सबसेल के लिए, ये सबसेल है यस में कितने आर्बिटल होते हैं, एक आर्बिटल, पी में कितने आर्बिटल होते हैं, पी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 आर्बिटल हो जाएंगे, 3 आर्बिटल, और डी में 5 आर्बिटल होते हैं, और एफ में कितने आर्बिटल होते हैं, 7 आर्बिटल होते हैं। तो ये तो आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो अब पता हो गया होगा। तो ये चीज़ हो गया। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछता है सबसेल में सबसे अधिक किसकी होती है, तो यस की सबसे अधिक होगी, पी की फिर उसके बाद, फिर डी की, फिर एफ में, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो यस पी डी एफ आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यस पी डी एफ सबसे अधिक यस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की, तो सबसे अधिक यस सबसेल की। आयोनाइजेशन इंथैल्पी चलिए देखते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसको बोलते हैं, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसको कहते हैं, पहले तो इसका क्या आपको पता होना चाहिए, डिफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम में जो लूजली बाउंड, मतलब लूजली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अब ये क्या करती है, गैसे न्यूट्रल एटम टू कन्वर्ट देम इनटू मोनोकैटायन इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम, और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहीं पर रट लीजिए, ये इंडोथर्मिक होती है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट ये देख लीजिए, वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑलवेज हायर देन सेकेंड आयोनाइजेशन, हमेशा आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है हायर होती है किससे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज हायर देन वैल्यू ऑफ सेकेंड, तो सबसे कम होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, थर्ड की सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। नेक्स्ट में ये देखिए, जैसे ये दिखाया गया आपको, ये देख लीजिए मैग्नीशियम का दिखाया गया, मैग्नीशियम से गैस है, अब ये पॉजिटिव गैस में जा रहा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जा रहा है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव, और इसमें देख लीजिए इसमें 2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें 3 पॉजिटिव, तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो किलो जूल मोल इनवर्स होती है, इसी को लिख सकते हैं किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये आप हटाएंगे तो इनवर्स में चला जाता है, तो ये पता भी होगा नहीं पता होगा तो अब पता हो गया होगा। तो ये देखिए एनर्जी का आर्डर भी लिखा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन, तो सबसे अधिक एनर्जी किसकी होती है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की।
ये हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए 1 to 9, इन पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे, पीरियड में जाएंगे तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पीरियड में आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है, तो उसका रीजन जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस की वजह से। और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होता है, इसी कारण आपका क्या आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज करती है। कुछ एक्सेप्शन हैं और ये एक्सेप्शन काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो ये देख लीजिए। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ग्रुप का अधिक होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ए ग्रुप डी टू द फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फिग्रेशन ऑफ सेकेंड ए। सो सेकेंड ए का जो क्या होता है फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है, तो जैसे sp2 आएगा, sp3, sp6 आएगा या फिर s2 आएगा, ये सब आते हैं, उसके फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होता है, इसलिए सेकेंड ए का अधिक होगा। स्ट्रांग पेनिट्रेशन ऑफ सेकेंड ए, ये रीजन बता रहे हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फिफ्थ ए, यहाँ पे हाफ फील्ड होता है, फिफ्थ ए ग्रुप का अधिक होगा सेवन्थ ए ग्रुप से ड्यू टू द स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आता है ना फिफ्थ वाले में, नाइट्रोजन में क्या जाता है sp3 जाएगा, क्योंकि इसमें p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 3 तो रहता ही है, तो हाफ फील्ड वजह से ये अधिक हो जाता है। तो ये देख लीजिए, इसमें आपका पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है जो फुलफिल सबसेल होते हैं उसकी सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद हाफ फील्ड की होती है, फिर अदर देन होती है। जैसे इसमें देख लीजिए लिथियम की, फिर बेरिलियम की होगी, लिथियम की सबसे अधिक होगी क्योंकि इसमें 2s1s2 2s1, फिर उस बेरिलियम की सबसे अधिक हो जाएगी क्योंकि यहाँ आपको फुलफिल दिख रहा है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन से अधिक नाइट्रोजन की होती है, तो इसमें देख लीजिए एकदम एग्जैक्ट लिखा गया है। यही चीज़ कभी कभी इस फॉर्म में दे देता है ना तो काफ़ी टफ हो जाता है क्वेश्चन, तो आपको पहचानना पड़ता है कि बेरिलियम हो गया, फिर आपको नाइट्रोजन पहचानना पड़ेगा, बेरिलियम का फुल फील्ड, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड। तो यह देख लीजिए ली बाबी को नफनी, मैंने काफ़ी पिछली वीडियो में बताया था यह चीज़ ली बाबी को नफनी, तो ये आपका लिथियम का सबसे कम और नियॉन का सबसे अधिक होता है, क्या क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम लोग जा भी रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ये आर्डर है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये देख लीजिए ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जब जाएंगे तो जनरली जो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है। ये लाइन भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, सब क्वेश्चन मिलेंगे आप जब लगाएंगे ना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक दो वीडियो क्वेश्चन की भी करा दूंगा, लगभग 60-70 क्वेश्चन करा देंगे तो आपका 100% हो जाएगा, जो कुछ यहाँ से छूटा होगा तो क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएगा। ये देखिए पीरियाडिक टेबल, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, और फिर आप आएंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको ये ब्लॉक कहते हैं, तो ये सब वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये देखिए एक्सेप्शन केस आयोनाइजेशन एनर्जी का है, तो ये देख लीजिएगा ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट में आप आएंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं प्रभावित करते हैं, तो ये देखना है। एटॉमिक रेडियस प्रभावित करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो एटॉमिक रेडियस के क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अच्छे से ये लिख लीजिएगा, ये काफ़ी मदद करेगा जब पूछेगा क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी बताइए। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है जेड इफेक्टिव जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, ये अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट सी वाला देखिए स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल इज हायर देन दियर ए निगबोरिंग आइटम, तो जो उसके पास वाले आइटम होते हैं ना हाफ फील्ड, जैसे नाइट्रोजन के उधर ऑक्सीजन था और इधर क्या था कार्बन था, तो इससे कार्बन से भी ज़्यादा अधिक होगा नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीजन से भी अधिक, वही चीज़ ये कह रहा है। अब ये देखिए नेक्स्ट देख लीजिए डी वाला देख लीजिए स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे अधिक किसका होगा, यस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, काफ़ी बार पूछा गया है। आयोनाइजेशन एनर्जी देख लीजिए स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर यस का क्या होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे अधिक होगा तो यस का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा ये सब।
आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलुमिनियम, फिर क्या कही है, ग्रेटर देन नहीं है, ये लेस देन है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम, गैलियम की क्या होती है, एलुमिनियम से क्या होती है, एलुमिनियम की लेस देन होती है गैलियम से, मतलब गैलियम की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ये सब हो गया है। ये देख लीजिए नोट में क्या दे रहा है, इफ़ लार्ज गैप प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये भी सही बात कह रहा है, लार्ज गैप होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच। ये देख लीजिए, इफ़ लार्ज गैप इन प्रेजेंट इन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो पॉसिबल ग्रुप किस ग्रुप में पॉसिबल होता है, सेकेंड ग्रुप में। पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन NH2 में, पॉसिबल एलिमेंट बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम में, या बैलेंसी किस वाले में, +2 वाले में। ये देखिए लार्ज गैप प्रेजेंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ में, ये चीज़ हो गया बैलेंसी। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फर्स्ट तो डिफिनीशन ही देख लेते हैं, एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस आइटम। न्यूट्रल गैसियस आइटम में किसी भी एंथैल्पी चेंज कब होती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हम लोग उसमें ऐड करते हैं, कन्वर्ट होता है इनटू ए नेगेटिव आयन में, नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे देख लीजिए, ये कोई भी एलिमेंट है, न्यूट्रल एलिमेंट है, गैसियस है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये देख लीजिए नेगेटिव में जा रहा है, कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव आयन। अब नेगेटिव आयन में न्यूट्रल आइटम नेगेटिव आयन में आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लीजिए ये क्या होगा, नेगेटिव में ही होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं पीरियाडिक टेबल, आप लोग देख लीजिए, पीरियाडिक टेबल आपके पास होना ज़रूरी है, नहीं है तो आप परचेज प्लीज़ ज़रूर करिए, क्वेश्चन सब पीरियाडिक टेबल से पूछे गए हैं। ये दोनों एस ब्लॉक में, ये आपका डी ब्लॉक में, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को पी ब्लॉक में नहीं रखा गया है, ये आप अच्छे से जान भी रहे होंगे। ये देख लीजिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, काफ़ी बार मैंने ये सब करा चुके हैं। ये देख लीजिए 139 का देख लीजिए, वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज कम्स हायर दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वैल्यू क्या कह रहा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज कम्स हायर दैट होती है किससे, फर्स्ट से, और वैल्यू थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज हायर देन फर्स्ट और सेकेंड से होती है। जैसे इसमें देख लीजिए, ये एक न्यूट्रल है, गैस है, एलिमेंट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये वैल्यू है, इसमें सेकेंड, इसमें थर्ड, ये चीज़ है, तो सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, आप अगर देखेंगे वैल्यू देखेंगे तो सी की सबसे अधिक, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट की, ये चीज़ है। अब देखिए इन पीरियड में देखेंगे, लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो आपका जनरली जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो इंक्रीज करती है। जैसे ये देख लीजिए, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियान, तो आपका फ्लोरीन का क्या हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है, तो ये चीज़ दिया गया है, आप अच्छे से देखेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, ये रैंडम में लिखा गया है ना, तो क्योंकि इससे लिथियम से बेरिलियम की सबसे अधिक होती है बोरान की, तो ये चीज़ है ना, क्योंकि बेरिलियम से लिथियम की अधिक हो जाती है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कराएंगे एकदम एग्जैक्ट, सब एकदम क्लियर होगा। व्हिच इज प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसमें फर्स्ट एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, और इसमें हाफ कर रहे हैं, और इसमें देखिए दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो यही सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इसमें काफ़ी स्टूडेंट ऑल आर एक्सोथर्मिक क्वेश्चन लगा दे ऑप्शन लगा देते हैं, तो वहीं गलत हो जाता है। मैंने फर्स्ट जब मैंने शुरुआत इस वीडियो में की थी तभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो निगेटिव, वो एक्सोथर्मिक होती है, और सेकेंड वाली एंडोथर्मिक होती है, तो इसमें दो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने में काफ़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। देख लीजिए 142 इन ग्रुप अपवर्ड, जब आप ग्रुप में ऊपर से टॉप टू बॉटम जब जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे देख लीजिए ये क्वेश्चन पेट होता है एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी बार,
अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्वेश्चन मिले होंगे। जैसे देखिए पूछता है कि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी होती है, तो क्लोरीन में। वैसे तो आप ऊपर से जब नीचे जाते हैं ना तो क्या करता है, डाउन करता है, तो आपका फ्लोरीन का सबसे कम होना चाहिए, बट क्लोरीन का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है पूरे पीरियाडिक टेबल में। अगर पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी सबसे अधिक होती है, तो क्लोरीन की होती है। नोट में चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। नोट में लिखा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज सम व्हाट लेस होती है देन किससे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन से। तो क्लोरीन से फ्लोरीन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। इट इज़ ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज की वजह से एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन पे नेगेटिव होता है तो उसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसी की वजह से और स्मॉल साइज होने की वजह से क्लोरीन का अधिक हो जाता है क्या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये रीजन भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरीन की क्यों अधिक होती है फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो ये आपका रीजन है क्योंकि फ्लोरीन वेरी स्मॉल साइज का होता है और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन की होती है। तो ये रीजन भी बेस्ट है, पूछा भी गया है, पूछा जा सकता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोएस्ट इन दियर ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑक्सीजन की है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, OS से TPO सल्फर का सबसे अधिक हो जाता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। लोएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पीरियाडिक टेबल में लोएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किस पीरियड की होती है, तो वो होती है नोबल गैस। तो ये चीज़ हो गया। और ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन की ये देख लीजिए आर्डर दिया गया है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ आयन इज इक्वल टू द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एटम बट साइन आर अपोजिट। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आयन जो होती है वो इक्वल होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल के, बट क्या होती है लेकिन साइन जो होता है वो अपोजिट होता है। जैसे सोडियम पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए सोडियम, और इसका क्या होगा ये निगेटिव में है, और सोडियम में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव में है। ये चीज़ हो गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ सोडियम आयन इक्वल टू माइनस में आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बताइए। तो फर्स्ट तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफिनीशन ही हम लोग देख लेते हैं। तो डिफिनीशन देख लीजिए, टेंडेंसी ऑफ एन आइटम इन आयन मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट्सेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द आइटम। टेंडेंसी ऑफ आइटम किसी भी आइटम की इन्हें मालिक्यूल के रूप में अट्रैक्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अट्रैक्ट करते हैं शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को, तो उसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी एग्जामिन्ड बाय द हेल्प ऑफ 3 स्केल। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को आप किस 3 स्केल से नाप सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फर्स्ट है मुल्केन स्केल है, और सेकंड बी पाउलिंग स्केल, और थर्ड एलर्ड एंड रैचो स्केल से। 3 स्केल से आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हैज़ नो यूनिट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की कौन सी यूनिट है। 4 ऑप्शन देता है और एक ऑप्शन में नो यूनिट लिखता है, तो वही ऑप्शन करेक्ट होता है। पाउली स्केल हेल्प इन प्रेडिक्टिंग पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट में, जब पीरियड में आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी। जैसे लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो आपका फ्लोरीन का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगा। ये चीज़ क्वेश्चन पूछा भी गया है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, अगर आप टॉप से लेके नीचे तक आएंगे बॉटम तक, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी। जैसे देख लीजिए फ्लोरीन ऊपर होता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन, तो आयोडीन एकदम नीचे होता है, तो सबसे कम इसी का होगा। नेक्स्ट ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है फंक FON, तो याद ही करिए कि फ्लोरीन का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, फिर पीरियाडिक टेबल की बात कर रहे हैं, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ये फोन आप तो याद ही कर लीजिए, फोन ये याद कर लीजिए,
तो आपका क्वेश्चन काफ़ी बार सॉल्व होता है यह क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी इन दियर ऑल मॉलिक्यूल, इट कैन बी वेरी इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, वेरी करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन में सबसे अधिक किसका होगा, तो sp का सबसे अधिक होगा, फिर sp2 का, फिर sp3 का। तो हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार इसमें हम लोग निकालेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp का सबसे अधिक होता है, जान लीजिए। तो ये थर्ड तीन बॉन्ड है तो sp होगा, सेकंड बॉन्ड है दो बॉन्ड तो sp2 होगा, और कोई भी बॉन्ड नहीं है तो sp3 होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का है। इसमें मेरे चैनल पे मैं कार्बन, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन में मैंने जो है हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, एल्केन AlKaNe, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, यह जनरल फार्मूला। फिर आता है एल्कीन आता है AlKenE, एल्कीन, जिसका फार्मूला होता है CnH2n होता है, और एक आता है एल्काइन आता है। तो तीन चैप्टर आते हैं, तीनों मैंने अच्छे से करा दिया। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है, तो ये तीनों मैं करा भी दिया हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, वी कैन आइडेंटिफाई द पोलर नेचर, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट ये आप पीरियाडिक टेबल आपके पास होगा ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 162, वी कैन आल्सो प्रिडिक्ट, ये सब हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कभी कभी देखते हैं 1.8 हो या फिर उससे लेस हो तो ये कोवेलेंट बॉन्ड शो करेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.8 से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से अधिक हो तो आयनिक बॉन्ड होगा। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटालिक करेक्टर किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जितना अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा एटम एलिमेंट का उतना मोर इट्स नॉन मेटालिक करेक्टर एंड वाइस वर्सा, उतना अधिक नॉन मेटालिक करेक्टर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड एंड ऑक्सी बेसिस, तो ये चीज़ देख लीजिए। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, फर्स्ट चीज़ तो यही हो गया, आपको अच्छे से पता भी होगा। और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज भी करेगा लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अब पीरियड में ये आप देख लीजिएगा, आप क्लोरीन सबसे क्या है, सबसे लास्ट में आता है तो इंक्रीज कर रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, ये लिखा है। अब ये आपका ऑक्साइड, ऑक्साइड का केस ये है Na2O, MgO, L2, ये सब L2 होते, 3 एम्फोटेरिक है, और ये जो दोनों होते हैं बीक एसिड होते हैं और ये स्ट्रांग एसिड होती है। क्योंकि ये सब अगर आप निकालेंगे ना इसका कितना ये अपने किस, ये इसका आप निकाल सकते हैं 7 × 14 फिर +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 भी है ना। ग्रुप में अगर जाएंगे डाउनवर्ड टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा एंड बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा। ये देखिए आपका दिया गया है, ये किस केस में दिया गया है, ये आपका ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड के रूप में दिया है। बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लेगा तो आपका BN ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ये चीज़ देख लीजिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये देख लीजिए ऑक्सी एसिड के बारे में दिया गया है, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक किसका होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन भी निकाल सकते हैं, +7 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे +5, यहाँ पे ये निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका सबसे अधिक होगा, ये चीज़ ऑक्सो एसिड में जब आएंगे तो ऑक्सो एसिड में बात करेंगे। ये देख लीजिए ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड की बात कर रहा है, ये देखिए ऑक्सी एसिड में लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है और टॉप टू बॉटम क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये चीज़ एसिडिक स्ट्रेंथ CaCl का सबसे अधिक होगा। यस, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा डायरेक्ट। अब देख लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रा एसिड में, अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि हाइड्रा एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज करती है साथ ही में, इन पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी या फिर ऊपर से नीचे आएंगे पीरियाडिक टेबल में तब भी इंक्रीज करेगी, ये चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे
कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आयोडीन सबसे नीचे है, फ्लोरीन सबसे ऊपर, तो लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज कर रहा है और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज कर रहा है। ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ भी लिए हैं कॉन्सेप्ट में। पीरियड में ये देखिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करेगा, और रिड्यूसिंग पावर क्या करता है, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहा है तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज ही करेगा। ये चीज़ हो गया, ऑक्सीडाइजिंग पावर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये चीज़ देख लीजिए, ग्रुप में आप जब लेफ्ट मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करेगा और रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगा। ये चीज़ हो गया। ये देख लीजिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे अधिक फ्लोरीन की है, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम घटता है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक होगी क्योंकि रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। अब ये देखिए, स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूरे पीरियाडिक टेबल में स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अधिक होता है तो लिथियम का होता है, और पूरे पीरियाडिक टेबल में अगर स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अधिक होता है तो फ्लोरीन का होता है। ये क्वेश्चन ये समझिए सभी एग्जाम में पूछा गया है, बार बार मतलब कभी ना कभी पूछा गया है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टॉपिक और आप लोग इसी वीडियो में क्लियर कर लीजिए, काफ़ी जगह यह पूछा जाता है, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में पूरे केमिस्ट्री में घूमती रहती है ये कंसेप्ट। जैसे पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, यहीं पे क्लियर कर लीजिए और कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये चलिए देखते हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आप मोनो एटॉमिक आयन के रूप में देखना है। मोनो एटॉमिक आयन जो होते हैं, इफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अगर रहेंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। ये कंसेप्ट एकदम ये समझिए दिमाग में बसा लीजिए कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी मोनो एटॉमिक आयन में होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और किसी में इन इलेक्ट्रॉन का जो पेयर्ड होता है वो अगर पेयर्ड रूप में रहेगा तो डायमैग्नेटिक होगा। जैसे पी आप क्या लीजिए, सबशेल ऑर्बिटल ले लीजिए, इसमें मान लीजिए पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके तीन ऑर्बिटल होते हैं किसके, पी के, तो 1 2 3 4 5 6 ये पेयर्ड है, तो पेयर्ड रहेगा तो डायमैग्नेटिक होगा। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें अभी यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट पूरा। ये देख लीजिए, जैसे लिथियम में तीन क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, 1s2 2s2। अब यस में कितने इलेक्ट्रॉन, यस में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। वैसे डायमैग्नेटिक इसमें 1s2, इसमें पेयर्ड रहेगा 1s2, ये भी डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि 8 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो अच्छे से सीख लीजिए, 1s2 2s2 2p 2p 4 हो जाता है तो 4 8 होता है तो 2p 4 होता है, एक एक्स में जाएगा, एक वाई में, एक जेड में, एक्स में 2 जाता है तो अनपेयर्ड आते हैं, क्योंकि पी में आपका 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन यहाँ पे 4 ही है तो पैरामैग्नेटिक। वैसे ऑक्सीजन नेगेटिव में आपका पैरामैग्नेटिक और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में आप जब करेंगे तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा तो डायमैग्नेटिक आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 का आप कर लेंगे कि नहीं, जैसे देखिए 1s2 2s2 4 और 2p 6, 6 4 10, तो ये पेयर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये एक पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड आर पॉलीएटॉमिक, अगर पॉलीएटॉमिक होंगे तो फिर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक निकालने के लिए वो भी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंपाउंड या पॉलीएटॉमिक आयन, या पॉलीएटॉमिक आयन हो या कंपाउंड हो, उसमें देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। अगर इवन नंबर रहेगा, सेम नंबर रहेगा तो उसको डायमैग्नेटिक कहेंगे, और अगर ऑड नंबर रहेगा, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा अगर ये इवन रहेगा तो इवन मीन्स सम होता है, मतलब जैसे 2 हो गया,
चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, दस हो गया, फिर उसके बाद बारह हो गया, चौदह हो गया, सोलह हो गया, अठारह हो गया, ये सब सम है। और विषम क्या होता है, जैसे आपका थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, नाइन हो गया, अलेवन हो गया, थर्टीन हो गया, फिर आपका सेवनटीन हो गया, ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे आड नंबर। तो आड नंबर वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद तो केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स में सभी जगह है। तो एक्सेप्शन क्या है, B2, O2, H2, ये तीन का एक्सेप्शन है। जैसे B2 बोरान का पाँच होता है, लेकिन दो बोरान दिया गया तो ये दस हो गया, दस इलेक्ट्रॉन आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रजेंट हैं B2 में, दस इलेक्ट्रॉन, और O2 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रजेंट हैं, सोलह इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑक्सीजन का आठ होता है लेकिन दो ऑक्सीजन है, और सल्फर का एक सल्फर में सोलह और दो सल्फर में बत्तीस। तो ये बत्तीस ये आपके सम है, इवन हैं कि आड हैं, तो इवन हैं, दस सोलह बत्तीस, इसको क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। बट ये डायमैग्नेटिक नहीं होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। किसी भी अंक में दस आ जाएगा, सोलह आ जाएगा, बत्तीस आ जाएगा, तो ये इवन हैं, इनको होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, बट ये डायमैग्नेटिक नहीं होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, एकदम रट लीजिए, एक्सेप्शन है। जैसे देख लीजिए B2, O2, H2 ऑल इवन नंबर, बट ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। अच्छे से रट लीजिए, 10, 16, 32 ऐसे लिख लीजिए, और यहीं पे ऐसे तीर बना के लिख लीजिए, 10, 16, 32 अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी में आते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक शो करेंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट में चलिए देखिए, इसमें कुछ आप एग्जांपल भी कर लीजिए। जैसे के O2 में, तो इसमें पहले पोटेशियम में 19 और O2 में ऑक्सीजन का 8 और दो ऑक्सीजन है, तो आपका 8 गुणे 2 हो जाएगा, तो 19 और 16 35 हो जाएगा, 35 का 8 होता है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब O2 नेगेटिव में दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगा है, तो 8 दूना 16 और आपका एक नेगेटिव लगा है, तो एक पाँच एक जुड़ जाएगा। अगर नेगेटिव लगा होता है जितना, मान लीजिए एक नेगेटिव है तो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, दो नेगेटिव है तो दो ऐड हो जाएगा, ये चीज़ होता है। जैसे देख लीजिए O2 में 8 दूना 16 और एक 17, 17 पैरामैग्नेटिक होता है। NO2 नाइट्रोजन का 7 होता है, जितना इलेक्ट्रॉनिक जितना एटॉमिक नंबर होता है वही जोड़ेंगे, और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 दिया गया एक होता है, दो ऑक्सीजन का 16, तो 16 7 कितना होता है, 23, 23 8 है तो पैरामैग्नेटिक। NO का 7 नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 8, तो 15 पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 15 भी आड है। अब आप एक निकाल लीजिए, CO3 2 नेगेटिव दिया गया है, कार्बन का 6 हो गया, एक ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 3 ऑक्सीजन लिखा है, तो 8 गुणे 3 कर दीजिए, और 2 नेगेटिव लिखा है प्लस 2 कर दीजिए, टोटल जब आप करेंगे 32 आएगा। 32 क्या होता है, इवन होता है, आपका इवन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 32 का क्या होता है, डायमैग्नेटिक होना चाहिए ना। बट ये क्या, वहाँ पे हम लोग जब देखे थे एक्सेप्शन जब देखे थे तो 32 का भी एक्सेप्शन देखे थे। ये देख लीजिए, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंपाउंड या पॉली एटॉमिक आयन में, तो 32 में पैरामैग्नेटिक होगा, तो यहाँ पे आप पैरामैग्नेटिक 32 में कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस बेस पे दिया गया ना, एक्सेप्शन के बेस पे नहीं दिया गया है, ये चीज़ है। नेक्स्ट में बैलेंसी, अब बैलेंसी देख लीजिए, बैलेंसी क्या चीज़ होती है, बैलेंसी जो होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रजेंट इन एन आइटम, किसी भी आइटम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रजेंट होते हैं उसी को वैलेंसी कहते हैं। जैसे पीरियड इन रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इंक्रीज फ्राम 1 to 7, जैसे Na2 में 1, MgO2 में 2, Al2O3 में 3, SiO2 में 4, P2O5 में 5, SO3 में 6 और Cl2O7 में 7। पीरियड इन रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा फ्राम 1 to 7 तक, आपका क्या बैलेंसी इंक्रीज करेगा। तो ये बैलेंसी पूछ सकता है कि इसमें कितनी बैलेंसी होती है, किस किस में, तो आप देख लीजिएगा। अगर एक आप MgO में प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, तो ऐसे बैलेंसी आप निकाल लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है, मेटलॉइड्स अच्छे से रट लीजिए। ये मैंने पहली वीडियो में अच्छे से कराया, कौन मेटल होते हैं, कौन नॉन मेटल होते हैं, कौन मेटलॉइड होते हैं, कौन एम्फोटेरिक होते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ कराया। तो ये मेटलॉइड देख लीजिए आप, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, टिन, बोरान, सिलिकॉन, पोलिनियम, ये सब क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा, ये आप देख लेंगे। ऑल द एलिमेंट ऑफ यस ब्लॉक
डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आर मेटल होते हैं, बट पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल भी होते हैं, नॉन मेटेलिक और मेटलॉइड। पी ब्लॉक एलिमेंट वाले खिचड़ी होते हैं, सभी चीज़ उसमें होता है, तो ये आप अच्छे से जान लीजिएगा। एनोमलस प्रॉपर्टी, एनोमलस मीन्स होता है उनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट का डिफरेंट होता है, क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट शो सेम एनोमलस प्रॉपर्टी ड्यू टू दियर स्मॉल साइज की वजह से, लार्ज चार्ज की वजह से, या फिर रेडियस रेशियो एंड हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। लिथियम बेरिलियम बोरान शो डायगोनल रिलेशनशिप। मैंने बताया था पिछली बार कॉन्सेप्ट भी, लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बताए थे, लिथियम मैग्नीशियम के साथ बनाएगा, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ बनाएगा, बोरान्स सिलिकॉन के साथ बनाएगा। एकदम लास्ट में पकड़ेंगे, एकदम हो जाएगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी सेकंड पीरियड एलिमेंट 4 होता है, व्हाइल फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट का मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होता है। अच्छे से देख लीजिए, सेकंड का 4th होगा और थर्ड का 3 × 6 6 वैलेंसी होगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। एल्युमिनियम कैन फॉर्म AlF6+6 नेगेटिव बना सकता है एल्युमिनियम, बट बोरान डज नॉट फॉर्म BF6+3 नेगेटिव। इट कैन ओनली फॉर्म BF4 ओनली। बोरान सिर्फ ओनली BF4 नेगेटिव बनाता है, BF6 नहीं बना सकता है, 6 फ्लोरीन को साथ में नहीं रख सकता है। एलिमेंट सेकेंड पीरियड ऑफ पी ब्लॉक के डिस्प्ले क्रिएट स्टेबिलिटी फॉर्म PX पी पाई बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इटसेल्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट में मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, एंड द सेकंड पीरियड एलिमेंट लाइक COC ट्रिपल बॉन्ड, यानी N के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड सो लेस टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन सबसे अधिक पूछता है, पी पाई बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट में, जो पी ब्लॉक डिस्प्ले करता है, पी ब्लॉक का रोल होता है। तो ये चीज़ हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और लिख लीजिए, एक होता है कोवैलेंसी, एक होती है, आप अच्छे से ये भी सीख लीजिए कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है, तो कोवैलेंसी अगर आपको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय एनी एलिमेंट दे, उसी को कोवैलेंसी कहते हैं। तो कोवैलेंसी इक्वल टू लिख सकते हैं आप टोटल TOTAL टोटल कोवैलेंट बॉन्ड COVALENT कोवैलेंट बॉन्ड प्लस कोवैलेंस बॉन्ड प्लस क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड COORDI कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये होता है क्या होता है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी निकालना है किसी भी एलिमेंट में तो टोटल कोवैलेंट बॉन्ड निकालना पड़ेगा, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकालना पड़ेगा। जैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि NH3 में पूछा गया था कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना होगा, तो अगर नाइट्रोजन का आप कोवैलेंसी निकालेंगे तो इसमें 3 होगा कोवैलेंसी, और अगर आप हाइड्रोजन का कोवैलेंसी निकालेंगे तो आपका 1 होगा, और अगर NH3 टोटल में पूछेगा कोवैलेंसी कितना होगा तो टोटल 3×4 टोटल मिला के 4 होगा। तो ये चीज़ क्वेश्चन पूछा भी गया है, और एक बार तो इसमें भी पूछ लिया गया था कि NH3 पॉजिटिव में टोटल कोवैलेंसी कितनी होगी, तो इसमें भी 4 होगी, नाइट्रोजन 3 बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बनाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड, पीरियडिक टेबल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएँ, और आप भी लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल को क्रिएट किया गया है, तो आप लोग सपोर्ट चैनल को ज़रूर करें। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मैं चैनल पे करा रहा हूँ, तो रिवाइज वीडियो तो रिवाइज ज़रूर करिए। आप लोग वीडियो रिवाइज नहीं कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं लेकिन काफ़ी स्टूडेंट कर भी नहीं रहे हैं, तो ये समझिए 20% मान के चलिए कि स्टूडेंट रिवाइज कर रहे हैं वीडियो, और 80% जो स्टूडेंट है वो बस यही सोच रहे हैं कि बस वही वीडियो कराया जाए, जो जितना भी क्वेश्चन कराएं उतना क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में वही बस आ जाए, तो ये चीज़ नहीं होगा। तो आप हिंदी वाले वीडियो भी देखिए, बट इंग्लिश वाले वीडियो आपको छोड़ने नहीं हैं। तो मैक्सिमम मेरे ये समझिए 80% तो वीडियो मेरे चैनल पे इंग्लिश ही वाले हैं, 20% हिंदी वाले हैं, तो वीडियो इंग्लिश वाले आप लोग रिवाइज ज़रूर करिए। चलिए, आई होप कि आपका
समझ में आया होगा यह टॉपिक और आपकी 2021 में सिलेक्शन ज़रूर हो। थैंक यू।